आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों से ऐसी तीन स्किल्स के बारे में बात करूंगा, तीन कोर्सेस आप कह लो उनके बारे में बात करूंगा जिनको आपको सीखना चाहिए अगर आप स्पेशली इंडिया में रहते हो। क्योंकि इंडिया में अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा डिग्रीज़ कर लूँगा, MBA कर लूँगा या अच्छी हाईफाई डिग्री जो नाम की है वो कर लूँगा तो मुझे जॉब ज़्यादा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ कि इंडिया में डिग्रीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि आप IIT IIM से नहीं करते। और हम सबको पता है कि IIT IIM में 90% स्टूडेंट का तो एडमिशन कभी होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ इतनी सीट्स नहीं है। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है इंडिया में। और इतने बुरे हालात हैं ना दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चपरासी और कुक की जॉब निकलती है, गार्डनर और कुक की जॉब निकली दोस्तों, 42 पोस्ट थी उसमें, 42 जॉब थी और उसमें 18,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया जिसमें PhD स्टूडेंट भी शामिल थे, MBA स्टूडेंट भी शामिल होंगे, BTech वाले भी शामिल होंगे। ये हालात है इंडिया में, राइट? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी सी डिग्री ले लूँगा फिर मेरी लाखों रुपए की जॉब तैयार है, भूल जाना उसको, नहीं होने वाला। तो खुद से कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना ये जो तीन स्किल मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में वो नहीं सिखाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से जब वो एक्चुअल मार्केट में जॉब करने आते हैं तो उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। सो मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, अगर आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं ना, आने वाले समय में अप्रेजल चाहते हैं कि आपकी सैलरी में ग्रोथ हो, तो आप ये तीन स्किल्स को सीखना। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं ना तो भी आपको इन तीन स्किल्स को सीखना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। और स्टूडेंट्स को तो सीखना ही चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं इस बारे में, बट उससे पहले अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई आपके सजेशंस हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो तीन स्किल्स में, पहली स्किल जो मैं आप लोगों को कहूँगा वो है कि आपको इंटरनेट सीखना चाहिए। इंटरनेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पे सर्फिंग करनी है, वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, आप अकाउंटेंट है, आपने नया अपना ऑफिस डाला है, आपको क्लाइंट चाहिए। अब अगर आपको इंटरनेट नहीं आएगा तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि यार क्लाइंट मेरे पास कैसे आए। बट वहीं पे अगर आपको इंटरनेट की पावर पता है तो आप यहाँ पे क्लाइंट बड़े आसानी से ले आओगे। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने पेज बना सकते हो, इसके अलावा ऐड चला सकते हो, उससे आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो इसको ना सीखना बड़ा ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से कैसे यूज़ करोगे वो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट क्रिएटर ही बनो, सोशल मीडिया पे कंटेंट ही बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको कहूँगा आपको सीखना चाहिए। सोशल मीडिया ओवरऑल काम कैसे करता है, राइट, वो सीखिए। और कंटेंट क्रिएटर बनते तो और भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट एक सोशल मीडिया कैसे ओवरऑल काम करता है बिजनेस के लिए वो आपको सीखना है। इसके अलावा ऐड कैसे रन होते हैं सोशल मीडिया पे, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, कैसे रन होते हैं ये सीखना चाहिए। गूगल ऐड जानना चाहते हो कैसे रन होते हैं, मैंने ये वीडियो बनाया डिटेल वाला, ये देख लेना, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, कुछ आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो इसको सीखो और अपने काम के हिसाब से इसको यहाँ पे शुरू कर दो इसको यूज़ करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब ढूंढ रहे हो तो भी इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अगर आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आ गया जो सोशल मीडिया है एक तरीके से प्रोफेशनल लोगों का, तो जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है। बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस बढ़ाना है, सोशल मीडिया पता है कैसे यूज़ होता है, ऐड कैसे यूज़ होते हैं, अपने बिजनेस के लिए कैसे रन करना है ये पता है, तो बहुत अच्छे से आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। देखिए सबसे ज़्यादा ना ये ज़रूरी चीज़ है इंसान की लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। एक स्टडी हुई वहाँ पे ये दो लोगों को कंपेयर किया गया, एक बंदा वो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, एक जिसकी नहीं थी। तो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना वो हमेशा करियर में अच्छा करेगा, ये एक मतलब प्रूवन टेस्ट है। तो अब आपको यहाँ पे ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा। लोगों को लगता है इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल है, देखिए ऐसा नहीं है। अपनी बात सही से पहुँचाना कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। हाँ, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में MNC कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ इंडिया में आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की हमेशा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, और उनकी सैलरीज भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सीखिए, मैं यही कहूँगा। दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे ईमेल राइटिंग सीखनी पड़ेगी कि ईमेल ढंग से लिखा कैसे जाता है। आज की डेट में मेरे बहुत सारे काम दोस्तों ईमेल पे ही हो जाते हैं। मेरे जो अमेरिका में क्लाइंट बैठा है मैं उससे इंडिया में बैठ के ईमेल से कन्वर्सेशन करता हूँ, पूरी डील हो जाती है। आपको भी अगर किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है
ईमेल आईडी होती है हमेशा हर बंदे की, हर कंपनी की, उस पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ईमेल पे कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे फॉर्मल ईमेल राइटिंग होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा दोस्तों नेटवर्किंग आना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग मतलब कि सही लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे बनाएं। अब यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे होगी दोस्तों, नेटवर्किंग के लिए आप एक तो लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जो बहुत सारे तरह के सेमिनार्स वगैरह होते हैं नेटवर्किंग के, वहाँ जा सकते हो। ये एक बेसिक तरीका है। अगर आप कहेंगे नेटवर्किंग पे डिटेल में वीडियो बने, मैं उस पर बनाऊंगा, बट नेटवर्किंग करना आना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों पर कोई भी बात नहीं करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बट एक बंदे के करियर को ऊंचा ले जाने वाली चीज़ यही है, ये फाउंडेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग डायरेक्टली अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले, बट आपकी ज़िंदगी में एक समय आएगा जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचना शुरू होगा। अब आप उस एक्स्ट्रा पैसे को घर पर रखोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसको सही से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, शेयर मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी रिसेंट में आया है। शेयर मार्केट में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं। एक इजी तरीका है स्टार्टिंग में, जब तक आप स्टॉक मार्केट की या शेयर्स की डायरेक्टली नॉलेज नहीं लेते। दूसरी चीज़ कि आपको क्रिप्टो करेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी आया है और चला जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तो इंडिया में रूल भी आ चुका है, गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से अपना अप्रूवल दे ही दिया है, जब से गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी पे। तो मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को हटाने वाली तो नहीं है, और ये जो चीज़ है वो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो बहुत नई चीज़ है, अगर आप सीखोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे सीखोगे दोस्तों, आज की डेट में सबसे पहले तो आपको बेचना खरीदना आना चाहिए, कहाँ से बेचे कहाँ से खरीदे। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ से आप बेच खरीद सकते हो, तो उनमें से एक है दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, कॉइन स्विच कुबेर इंडिया का एक्सचेंज है, और यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को बहुत आसानी से बाय सेल कर सकते हो। जितनी भी मेन क्रिप्टो करेंसीज है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो एक्सचेंज है वो बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि $1 बिलियन से ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन हो चुकी है। रणवीर सिंह जैसे लोग इसको प्रमोट करते हैं, तो एक मार्केट क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, और हमेशा एक्सचेंज आपको सही चुनना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप कॉइन स्विच कुबेर पे अकाउंट अपना बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। खरीद और बेच के देख सकते हैं कैसे आप लोगों को होता है, मतलब पता लग जाएगा, बड़ा ही आसान है। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बिटकॉइन ही खरीदना है या फिर कोई दूसरी USDT खरीदना है क्रिप्टो करेंसी में, मैं गया उस करेंसी में, मैंने क्लिक किया कितने का खरीदना है, तो 100 रुपये से यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये डाल दिया, उसके बाद मैंने बाय कर लिया, मतलब बड़ी आसानी से, जैसे कि ये प्रोसेस देखा आपने, बाय हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को सीखे ज़रूर। और अभी ना मतलब कंपनी आप लोगों को 100 रुपये के बिटकॉइन भी फ्री दे रही है, तो यहाँ पे उसी बिटकॉइन को इन्वेस्ट करके देख लेना, मतलब इधर उधर करके देख लेना, वो भी तो आपको कंपनी फ्री में ही दे रही है। तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है, अपना KYC करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कॉइन स्विच कुबेर कैसे काम करता है, तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करती है, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी को सीखे ज़रूर, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है उसको सीखे ज़रूर। आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। और देखिए, इसमें लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है जिनको नॉलेज है। मैंने बताया ना, 2-3 साल पहले आप लोग अगर बिटकॉइन की वैल्यू देखते हैं तो 3-4 लाख रुपये थी। उस समय अगर किसी ने खरीद लिया होता और जब ये पीक पे था 40-50 लाख पे था, तब बेच दिया होता, तो सोचो उनका पैसा 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया होता। तो यहाँ पे सही समय पे खरीदना और सही समय पे बेचना आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आ जाती है तो बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और ये जो चीज़ है वो इंस्टेंटली नहीं आती है, टाइम लगता है, आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आएगी, ठीक है। और आने वाले समय में आप देखोगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, NFTs हो गया, वर्चुअल लैंड हो गया, ये जो चीज़ है वो और बढ़ेंगी। और कॉइन स्विच कुबेर पे आप लोगों को इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो करेंसीज वगैरह है, जैसे अगर मैं बात करूँ अगर डिसेंट्रल लैंड की, जो कि जहाँ पे आप वर्चुअल लैंड खरीद सकते हो, उसकी जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, वो भी मिल जाती है। और अभी तो दोस्तों आप यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर पे अगर आप लोग एक साथ नहीं खरीदना चाहते तो आप रिकरिंग में भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। रिकरिंग प्लान भी इनका आ चुका है कि मंथली कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो कर सकते हो, उससे थोड़ा सा रिस्क कम होता है, तो वो भी जाके आप चेक ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो 3 स्किल्स मैंने आप लोगों को बताई, ये सीखिए, आपकी किसी ना किसी स्टेजेस में ये तीनों के तीनों स्किल्स काम आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस लाइन में ना खड़े हो कि आपके पास PhD की डिग्री हो और आप यहाँ पे चपरासी की जॉब के लिए खड़े हो, तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें आएंगी तो आपको कभी भी
पैसे के लिए रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जॉब भी हाथ में रह सकती है, बिजनेस करना है तो क्लाइंट भी हाथ में रहेंगे, और एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो वो भी आ सकता है। तो सीखिए दोस्तों, शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको 6 मंथ 1 ईयर डेडिकेटेड होके सीखना है, देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप सबको आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।